बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन हो गया और उनके इस निधन की खबर से बॉलीवुड समेत पूरे देश में शोक की लहर है। इरफान भले ही हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन उनके निभाए किरदार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। है बहुत पीड़ादायी है, सिर्फ 54 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय सिनेमा जगत ने एक ऐसे बेटे को खोया है जिसने अपने अभिनय से एक अमिट छाप हम सबके बीच छोड़ी है। ये बात सही है कि उनकी आयु लंबी नहीं थी, लेकिन उनके जो कृत्य हैं, जो उनके अभिनय हैं, वो हम सबके बीच लंबे समय तक जीवित रहेंगे। अभी हाल ही में उनकी माता जी का भी निधन हुआ, लॉकडाउन के कारण वो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। ये अपने आप में बड़ा ही दुखद और पीड़ादायी स्थिति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मैं उनकी माता जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को संबल मिले, ताकत मिले, लड़ने की क्षमता ईश्वर उन्हें प्रदान करें। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान आज हमारे बीच नहीं रहे। 53 साल में आज के ही दिन 29 अप्रैल 2020 को आंतों में संक्रमण के कारण मुंबई के कोकिला बन अस्पताल में इनका इंतकाल हो गया। बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, उनके अभिनय की इस यात्रा की कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता। इनका जन्म 7 जनवरी 1967 जयपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिंदी अंग्रेजी फिल्मों व टेलीविजन के एक कुशल अभिनेता रहे हैं। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार भी दिया गया। खान का हॉलीवुड में भी एक जाना पहचाना नाम था। कुछ फिल्में जैसे माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके थे। 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म 5 सिंह तुमर में अभिनय करने के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इस दुखद घड़ी में लीड इंडिया टीवी उनके परिवार के साथ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वो नहीं जो हम देखी हम सुनते, खबर वो जो हकायक है मुझे, खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह करते है, हर छोटी बड़ी खबर से नजर अस्पताल लोग, वो नहीं जो महज बड़े बोल हो, खबर वो जो शौर को उजागर,